हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, वो भी पैदल। ये देखिए, बाहर धूप बहुत तेज है और बाइक थी नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों को आज पैदल हरचंदपुर जाना पड़ा। तो अभी हम लोग हरचंदपुर जा रहे हैं, अंगोछा अंगोछा बांध के बगल में सब गेहूँ खेत कट चुके हैं, एक्सपेरिमेंट लगी है ना। चल अभी तो चल रहे हैं पैदल धूप में, फिर पहुँचते हैं हरचंदपुर, फिर दिखाते हैं आगे का। चल आम फर चुके हैं, छोटी छोटी उंगलियां। दोस्तों अब हरचंदपुर तो जाना पड़ा है, बाइक थी नहीं, साइकिल से आ नहीं सके, पैदल आए हैं। धूप बहुत ज़्यादा है तो हम लोगों ने क्यों सोचा कि चलो कुछ शॉर्टकट से ही निकल चलते हैं। इसीलिए हम लोग आज खेतों से होते हुए आए हैं, रोड से नहीं गए, खेतों से इसलिए आए ताकि शॉर्ट पड़ेगा, टाइम भी कम लगेगा। ये देखिए चारों तरफ केवल खेत हैं, चलने के लिए थोड़ी सी रास्ता है। इधर से निकलना है धूप से, वो देखो अभी पीछे पड़ी है, आ रही है धीरे धीरे। ये देखिए पिपरमिंट बगल में लगी है, मेंथा, और इधर गेहूं का खेत कटा है। बस ऐसा ही व्यू है हमारे तरफ की खेतों का। चलो देखते हैं, अभी तो हम लगभग घर से आधी दूर निकल चुके हैं, अब हरचंदपुर आधी दूर बचा है, पहुँचते हैं देखते हैं। चलो तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर आज से कई दिनों पहले, मतलब 4-6 दिन पहले आग लगी हुई थी। और ये दोस्तों वही जगह है जहाँ पर आग लगी थी, पूरा का पूरा गेहूँ जल चुका है, अब पूरे खाली खेत पड़े हुए हैं। ये देखिए आपको जहाँ तक भी दिखाई देगा कैमरे से, केवल ऐसे ही खेत जले हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, ये देखो गेहूँ पड़ा है, तो दोस्तों इन किसानों का बहुत ही नुकसान हुआ, जिनका गेहूँ पूरी तरह से नष्ट हो गया इस आग में। एक भी गेहूँ के खेत इस तरफ नहीं बचे हुए, पूरे के पूरे जल चुके हैं। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग हरचंदपुर एरिया में इंटर कर चुके हैं। ये सामने आप देख सकते हैं लखनऊ रायबरेली को जोड़ने वाला रेलवे ट्रैक, ये सामने से, और बगल में ही रेलवे स्टेशन हरचंदपुर है। तो अब हम लोग तो हरचंदपुर पहुँच चुके हैं, अब छाया है, पर देखो ब्रिज बना है ये। चलो देखो धूप मचले आ रहा है इनका, फोटो खींचे का भी फ़ोटो खींच लो। चलो फोटो खींच लेते हैं, ठीक। चलिए गाइस मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर देखो कहीं घूमने जाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। बाय बाय।